हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक मज़ेदार फिश करी रेसिपी, जो मैं आज फर्स्ट टाइम बेंगलोर में बना रही हूँ। मतलब ये फिश बना रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम मसाला से बना के दिखाऊंगी, वो भी विलेज स्टाइल में। मेरी माँ जैसे बनाती है वैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। फिश भुना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बहुत सारे कैटफिश लिए हैं, मतलब शिंग फिश लिए हैं, बंगाली में बोलते हैं। ये फिश फर्स्ट टाइम मैं देखी हूँ, मतलब मिला है मुझे बेंगलोर में। बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिलती है फ्रेंड्स ये फिश। इसीलिए हस्बैंड ने बहुत सारे लेकर आए थे और कुछ मैंने ले लिए है अभी करी बनाने के लिए, और कुछ रख दिए है पानी में। ये ज़िंदा फिश है, बहुत ही अच्छी फिश है, यही कि तालाब के फिश है बोलते हैं, पता नहीं। तो अभी सबसे पहले फिश के इस तरह से काटे निकल लेंगे। मैं तो फिश ज़्यादातर काटती नहीं हूँ, मेरी माँ ही काटते हैं, इसीलिए मैं तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। इसीलिए मैं पहले इस तरह से फिश के काटे निकल के काटूँगी। मुझे हेल्प कर रही है हस्बैंड के कज़िन्स आए हैं वो, और देखिए काटे निकल लिए हैं। अभी फिश को इस तरह से ऐसे साफ़ कर लेंगे, मतलब इसमें बहुत ही मैले रहे थे फ्रेंड्स, इसीलिए इस तरह से साफ़ करने से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। विलेज में तो मेरी माँ चाची लोग ये सब तो एक पत्ते से साफ़ करती है, वो पत्ते तो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम लोग इस तरह से साफ़ कर रही है जुगाड़ करके। देखिए अच्छे से साफ कर लिए है, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छे से साफ कर लिए है। अभी काट लेंगे, काट के बहुत ही साफ करके धोने के बाद गर्म पानी से भी धोना है और नमक से भी धोना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फिश फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसी होगी यहाँ की ये फिश, इसीलिए। देखिए फ्रेंड्स ये फिश काट लिए है, सारे फिश नहीं दिए फ्रेंड्स क्योंकि लोग नहीं है, दो तीन लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए मुझे साफ़ करके काट लिए है। अभी ठंडे पानी से धो लेना है, मतलब साफ़ करने से मतलब काटे सटे निकल लिए हैं, अभी साफ़ करके धो के आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फिश अच्छी तरह से साफ़ करके नमक से धो लिए थे, गर्म पानी से धो लिए थे, ताकि सारे इसके मैले जो निकल लिए हैं। उसके बाद इसमें दे दिए हैं थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, और दे देंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी इलायची पाउडर दे देंगे। मतलब ये सब घर के मसाला से बनाऊँगी, वो भी इतनी स्वादिष्ट। और दे दी है हाफ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी दे दी है क्योंकि वो बाद में दे देंगे तड़के में। और देखिए इसमें दे दी है सरसों का तेल। सारे अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है, मिक्स करके आधा घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा टाइम रख कर बना सकते हैं सारे मसाले के साथ, फिश या गोश्त आप लोग इस तरह से रख कर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी होती है। देखिए फ्रेंड्स सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं, अभी ढक्कन देके आधा घंटे के लिए रख देते हैं। तब तक के लिए टमाटर सारे प्याज हरी मिर्च सब काट लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुकी है तो अभी बनाते हैं। आज फ्रेंड्स गैस पे बनाएंगे, इसीलिए बहुत ही बड़ा कढ़ाई सरा दिए हैं। इसमें सरसों का तेल, थोड़ी सी जीरा दे दिए है और प्याज हरी मिर्च दे देंगे। एक बड़ा साइज का प्याज लिए थे, एक कप प्याज हो चुकी है इसमें, और सारे अच्छी तरह से भुनना है थोड़ी सी लाल लाल करके। एक दो मिनट तक भुनने के बाद इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिए हैं। और इसमें अभी देखिए लाल लाल हो चुकी है, इसमें दे देंगे अभी जो एक बड़ा साइज का टमाटर लिए थे दे दिए हैं। मेरी माँ तो टमाटर बहुत ही पतला पतला करके फिश के साथ मसाले के साथ मिक्स करके बनाते हैं। आज थोड़ी सी मैं अलग स्टाइल में बना रही हूँ पहले।
टमाटो अच्छी तरह से भुनेंगे मसाले के मतलब प्याज हरी मिर्च के साथ। उसके बाद इसमें दे देंगे फिश। ठीक है, टमाटो भून लिए, सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें अभी फिश दे देंगे। और फिश के साथ अभी सारे मसाले के साथ लो टू मीडियम मतलब फ्लेम हाई में रखकर पहले 5 मिनट तक पकाएंगे। पहले 5 मिनट तक पकाएंगे फ्लेम हाई में रखकर, नहीं जलेंगे फ्रेंड्स क्योंकि प्याज और टमाटर से पानी निकलेंगे। इसीलिए 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद ढक्कन देके 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी। उसके बाद इसमें पानी दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ढक्कन देके 5 मिनट तक मैंने लो टू मीडियम फ्लेम में रख दिए थे फिश और सारे मसाले के साथ भुना हुआ भून लिए है। इसमें भी पानी दे देंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रही है, देखिए फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू फैल रही है। और इसमें भी दे देंगे पानी, थोड़ी सी दे देंगे, ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि पहले 10 मिनट मैंने अच्छी तरह से आप लोग तो देखे होंगे भुना है। ये पानी दे दिए है, वह फ्लेम हाई में रखकर पकाना है। आप लोग इसमें कम या ज़्यादा करके भी ग्रेवी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी दे दूँगी। और देखिए थोड़ी सी पानी दे दिए है और थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी। और देखिए फ्रेंड्स फिश हमारी लगभग हो चुकी है, देखिए दरदरा हो चुकी है। ये थोड़ी सी ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएंगे। और लास्ट में दे रही हूँ फिश के अंडे। फिश के अंडे देके हुए पकाया है, देखिए फ्रेंड्स फाइनली फिश भुना, फिश करी जो भी आप लोग बोल सकते हैं पूरी तरह से हो चुकी है। थोड़ी सी ठंडा करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, मतलब दिखाती हूँ ये फिश भुना कैसी बनी। देखिए कितने सारे फिश बनाए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बनी है। मैं टेस्ट करके देखी हूँ, थोड़ी सी नमक कम हो गई थी तो मैंने नमक दे दिए है। ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली फिश भुना हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। देखिए कितनी आसानी से कितनी कम टाइम में मैंने बना के दिखाया है, वो भी इतनी कम मसाला से जो बहुत ही टेस्टी होती है, वो भी घर के मसाला से। आप लोग भी इस तरह से बना के ज़रूर खाएं, सच में फ्रेंड बहुत ही अच्छी बनी थी। गर्मा गर्म राइस के साथ तो इसे बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप लोग इस तरह से बना के ज़रूर खाएं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इसकी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।